तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वालों का सिलसिला जारी है। रुकने सिंध असेंबली मलिक शहजाद अवान पार्टी छोड़ गए। मुल्तान से साबिक एमपीए सबीन गुल भी पार्टी और सियासत से अलहदा हो गई। पीपी 222 से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। साहिवाल से साबिक वफाकी वजीर चौधरी नौरेस शकूर भी सियासत से रिटायर हो गए। गुजरावाला से पीटीआई के साबिक एमएनए और टिकट होल्डर राना नजीर ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, कहा शोदा की बेहरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20 से 22 साल का तहरीक इंसाफ के साथ जो सफ़र था, जो साथ, तो आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तहरीक इंसाफ से अपनी राय जो हैं वो अलग करता हूँ। मैं इन सब वाकयात की भरपूर मजम्मत करती हूँ, क्योंकि किसी भी महजब कौम को ये जेब नहीं देता कि वो अपने ही मुल्क की दिफाई तंसीबात और अपने ही मुल्क के असासों को नुकसान पहुंचाएं। मैं दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से इलाजी का ऐलान करती हूं। मुझे नहीं पता था कि सियासत ऐसी होती है, अगर मुझे पता होता ना तो मैं ज्वाइन ही ना करती, इसलिए मैंने भी यही फैसला किया। पार्टी छोड़ रही हूँ, सियासत भी छोड़ रही हूँ। तमाम पोलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ और ये कहूँगा कि आर्मी इज़ द ओनली यूनिफाइंग फैक्टर फॉर पाकिस्तान।